Hello everyone, welcome to my channel Mrs. Learning Institute, and today I am going to discuss the sum theorem on Laplace transform and then the some questions on it. So let's start the video. So the theorem is Laplace transform of integrals. If Laplace transform of ft is equal to f of s, then 1 by s fs equal to Laplace of integral 0 to t fu du. को इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इंटीग्रल है और उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और वो आता है 1 अपॉन एस एफ और एस के बराबर, एफ ऑफ एस के बराबर, और ये एफ ऑफ एस यही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हमें गिवन है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, एंड देन हमें ये शो करना है. तो हम मान लेते हैं एंड इस इंटीग्रल को मान लेते हैं जी टी, सो जीरो टू टी एफ यू डी यू, देन वी हैव टू शो दैट वन बाई एस एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ जी टी. ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी टी से ही स्टार्ट करेंगे. सो हियर जी टी इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू. So if we find the z of 0, so this is 0 to 0 f of u du equal to 0. हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड किए, क्योंकि जब हम उसके डेरिवेटिव्स का हम लाप्लास लेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी. जब हम g डैश t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वहाँ हमें जी ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी. So g dash t equal, so d by dt 0 to t f u du equation 1 से using equation 1. तो 1 को अगर हम time derivative लेंगे तो इसको हम लिखेंगे g dash t, और इधर हो जाएगा d by dt 0 to t एफ यू डी यू. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे, और ये इंटीग्रेशन है तो ये आएगा एफ यू एक तरह से, फिर हम 0 टू t लिमिट रखेंगे तो हमें ये सिंपली मिलेगा एफ ऑफ t. तो फाइनली हमें मिल गया g डैश t इक्वल टू एफ ऑफ t. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, लाप्लास लिया और फिर उसमें हमने इंटीग्रल वाले फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लिया g ऑफ t, देन हमें शो करना था 1 बाई एस एफ एस इक्वल टू एल ऑफ जी टी. यहाँ पे जी टी हमारा यही था 0 टू t एफ यू डी यू. उसके बाद हम जी ज़ीरो निकालेंगे तो लिमिट हमारा 0 टू 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. सो यहाँ से हमें मिला g ऑफ 0 इक्वल टू 0. इसके बाद हम सिंपली इसका टाइम डेरिवेटिव लिए हैं और उससे हमें मिला g डैश t इक्वल टू एफ ऑफ t. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे इसी का दोनों साइड. सो टेकिंग लाप्लास ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो हम डेरिवेटिव्स का लाप्लास बता चुके हैं, इसकी वैल्यू आती है एस ऑफ जी एस, या सिंपली कहें तो एस लाप्लास ऑफ जी टी
minus g of 0 इक्वल टू, और इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया f ऑफ s, क्लियर। सो ये फॉर्मूले से है जो हमने कराया था, एक थ्योरम लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स। सो दिस इज लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको हम लिख सकते हैं s, एंड दिस इज g ऑफ s, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लाप्लास ऑफ जी टी, जी ज़ीरो की वैल्यू हमने इसीलिए निकाल रखा था, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया एफ ऑफ एस, सो दिस इज जी डैश टी, और ये हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के बराबर है क्वेश्चन टू से। तो इसको हम लिख लेते हैं एस इंटू लाप्लास ऑफ, ये सही था जी टी, क्योंकि ये लाप्लास का थ्योरम लेने के बाद जी टी आएगा, वहाँ पे डैश नहीं होगा। सो दिस जी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, सो लाप्लास, और इसको हमने क्या माना था शुरू में, जी टी, जी टी वही टर्म था जो इंटीग्रल वाला था, ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू एफ ऑफ एस, और ये हमारा एस इधर आ गया, और यही तो हमको लाना था। सो लाप्लास ऑफ ज़ीरो टू टी एफ यू डी यू इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। तो यहाँ से हमें दोनों तरफ का लाप्लास लेना था, और लाप्लास ये एक तरह से डेरिवेटिव जैसा टर्म है, जी टी का डेरिवेटिव, तो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से हम करेंगे, तो इसका मान आएगा एस लाप्लास ऑफ जी टी माइनस जी ऑफ ज़ीरो, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एस, और इस जी ज़ीरो की वैल्यू है ज़ीरो, और इसको हमने सिंप एट इज एज इट इज़ लिखा है एस एल जी ऑफ टी, ये जी ऑफ टी हमने स्टार्टिंग में इसी को सपोज किया था। तो इस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसे किसी फंक्शन का, एंड दिस प्रूव द थ्योरम, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ऑफ 0 टू t sin x बाई x dx। तो इसको हम इसी थ्योरम से करेंगे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो थ्योरम से हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम कि लाप्लास ऑफ 0 टू x या t, 0 टू t f ऑफ x dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, अभी हमने थ्योरम पढ़ा है 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एस अपॉन एस, और यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है, एक तरह से कुछ इस तरह का है, या फिर हम सिंपली इसको एफ एक्स समझेंगे, लेकिन इसका लाप्लास हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन को निकाल लें, तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा था लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी अपॉन टी, इस तरीके का ऐसा, जो इस फॉर्म में था एफ टी बाई टी के फॉर्म में। तो हम इस तरीके से पहले इसका लाप्लास निकाल लेंगे, तो वो हमें एक तरह से एफ एस देगा, वही एफ एस हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या करना है वो समझ लीजिए, पहले इसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन की तरह लाप्लास की तरह ले लेंगे, जो हमें एफ एस की वैल्यू देगा। हमें किसी तरीके से इसका लाप्लास निकालना होगा, वो यही तरीका होगा, पहले हम लाप्लास ऑफ साइन एक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद अपॉन टी वाले फार्मूले से
हम उसको निकाल लेंगे टोटल लाप्लास इसका, फिर वो हमें fs देगा और वो fs हम यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन ऑफ एक्स ये क्या होगा? सो ये होगा 1/s² + 1, ठीक है, s² + 1। एंड देन लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है हमारा जो थ्योरम था उसके हिसाब से अगर हम करेंगे सो एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस, ऐसा हम लिखते हैं थ्योरम से। ये एक तरह से थ्योरम था हमारा लाप्लास ऑफ, अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल टू 1 बाई दिस इज इक्वल टू एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। सो उसी फार्मूले को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे एक्स है। तो एस टू इन्फाइनाइट और ये एफ एस का मान क्या है यहाँ पे अभी 1/s² + 1 ये हो गया डी एस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टैन का है, ये हो जाएगा टैन इनवर्स एस, लिमिट होगी एस से लेके इन्फाइनाइट तक। अब टैन इनवर्स इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाई टू, सो पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एस, इसको रखेंगे हम लिमिट, ये हमें देगा कॉट इनवर्स एस, क्लियर। अगर हम उसका लिमिट रखेंगे तो इन्फाइनाइट से हमें पाई बाई टू मिलेगा, और एस को जब पुट करेंगे तो टैन इनवर्स एस, और पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स होता है कॉट इनवर्स एस। अब ये हमारा जो फाइनल है इसका वैल्यू आ रहा है कितना, कॉट इनवर्स एस, और ये हमें क्या दे रहा है, फाइनल वैल्यू दे रहा है एफ एस का। तो यही एफ एस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग बताया था। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम यहाँ से डायरेक्ट फिर इसी एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 0 to t, इसको हम 1 डाल लेंगे, सो फ्रॉम 1 लाप्लास ऑफ 0 to t एफ एक्स को हम पूरा लिख लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/s, और एफ एस की वैल्यू है कॉट इनवर्स एस। तो ये है हमारा आंसर। तो ये काफ़ी आसान था, केवल हमें ध्यान देना है कि इस वाले फंक्शन को लाप्लास की तरह लेना है। तो एक बार हम साइन का लाप्लास लेंगे, उसके बाद अपॉन टी वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, इससे हम सारा कुछ सॉल्व करेंगे, लिमिट वगैरह सारा कुछ, उसके बाद हमें एफ एस मिल जाएगा, और यही एफ एस हमारा इसके लिए काम आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा वो कितना इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है कि उसको ध्यान से देखिए और उस थ्योरम को समझिए। थ्योरम भी पूछता है और इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। सो ये रहा क्वेश्चन, सो दैट 0 to ∞ एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 to ∞ एफ एक्स डी एक्स, एज्यूमिंग दैट द इंटीग्रल्स कन्वर्जेस, हम ये मान के चल रहे हैं कि इंटीग्रल्स की वैल्यू मिलेगी, कन्वर्ज करेगा, एंड लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये डेफिनेशन है हमारा, एंड हैंस प्रूव दैट 0 to ∞ साइन टी बाई टी डी टी इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, हमें पहले ये शो करना है कि ये इक्वल होता है 0 to ∞ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0 to ∞ एफ एक्स डी एक्स, एंड देन वी हैव टू प्रूव 0 to ∞ साइन टी बाई टी डी टी इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा कुछ उसी तरीके का लग रहा है जो हमने एक थ्योरम पढ़ रखा था, ये वाला लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी, क्लियर।
इसको हमने पढ़ा था. सो वी नो दैट बाई ए थ्योरम दिस इज अ एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस ऐसा या एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं जैसी इच्छा. एफ एक्स डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं. सो दोनों तरीके से सही है वो ऐसा. तो ये रहा हमारा थ्योरम से. अब इस पर अगर हम लाप्लास अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको. अगर हम लाप्लास अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे बाय डेफिनेशन ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी. ठीक है ई टू द पावर माइनस एस टी एंड देन एफ ऑफ टी बाई टी डी टी दिस इज इक्वल टू एस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स एंड इंटू डी एस डी एक्स. ठीक है तो अगर हमको ये प्रूफ करना है तो बड़े आराम से हो जाएगा. देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ब्रेक करें ज़ीरो टू इन्फाइनाइट और इसको चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सो लेट्स एस टेंडिंग टू ज़ीरो. अगर हम एस को ज़ीरो की तरफ टेंड करा दें तो क्या मिलेगा ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ज़ीरो मीन्स सिंपली वन. सो दिस गिव एफ टी बाई टी डी टी एंड इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ऐसा एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स. ठीक है सो यही हमको प्रूफ करना था पहले पार्ट में. सो सिंपल ये एक थ्योरम का कमाल था. अगर हमें थ्योरम पता है तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से हो जाएंगे. इसमें कुछ नहीं था. ये थ्योरम था जो डिवीजन बाय टी था डिवीजन बाय टी वाला. तो अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ये थ्योरम हमने कराया है पहले से तो उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन हुआ है. और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है जो आज का थ्योरम हुआ है. तो चलिए देखते हैं. तो हमें प्रूफ करना है तो हम एल एच एस को उठा लेते हैं. ज़ीरो टू इन्फाइनाइट साइन ऑफ टी ऑफ डी टी और इसको हमें शो करना है ये इक्वल है पाई बाई टू के. तो ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है नहीं. जो हमने प्रूफ किया है लगभग उसी तरीके का मॉडल है ये एफ टी बाई टी डी टी ज़ीरो टू इन्फाइनाइट. तो इसके इक्वल में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं. तो जो ऊपर का ये हमने शो किया है इसी को हम यूज कर सकते हैं. तो हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फाइनाइट फिर हम क्या लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स या सिंपली एफ एस डी एस भी लिख सकते हैं इस तरीके से एफ एस डी एस. और यहाँ पे जो एफ एस है सो वेयर एफ एस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. जो हमारा एफ एस है वो क्या है वो लाप्लास है एफ ऑफ टी का. अब यहाँ पे हम एफ ऑफ टी किसको ले रहे हैं साइन टी को. तो अगर हम यहाँ से एफ ऑफ एस निकालना चाहें तो हमें क्या निकालना होगा लाप्लास ऑफ साइन टी. ठीक है तो ये हमें देगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन. सो दिस इज एफ एस तो एफ एस इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन. अब इसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या देगा इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन डी एस. अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका एक्सपेंशन किसका इंटीग्रेशन होगा ये टैन इनवर्स एस है टैन इनवर्स एस. लिमिट हो जाएगी हमारी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी. जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टैन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टैन इनवर्स ज़ीरो. और टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई टू एंड माइनस ज़ीरो. सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो यही तो हमें शो करना था. सो ज़ीरो टू इन्फाइनाइट साइन टी बाई टी डी टी इक्वल टू
पाई बाई टू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करेंगे, थ्योरम हमें याद होने चाहिए, उसके बाद हम जो प्रूफ करेंगे ऊपर लगभग उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ एस हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी से मिल जाता है, फिर इसको हमें जस्ट यहाँ पुट करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, गिवन है लाप्लास ऑफ टू अंडर रूट टी बाई पाई इक्वल टू वन अपॉन एस थ्री बाई टू, एस टू द पावर थ्री बाई टू, देन वी हैव टू शो वन अपॉन एस टू द पावर हाफ इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ वन अपॉन अंडर रूट पाई टी। सो दिस इज एस पावर हाफ एंड दिस इज एस पावर थ्री बाई टू। सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें गिवन है, ये हमको गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि लेट f of t is equal to 2 under root t upon pi, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से f of 0 निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली 0, और अगर f dash t निकालें तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी डेरिवेटिव का, इसीलिए हम यहाँ डेरिवेटिव टर्म निकाल रहे हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट पाई एंड देन टी हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ एंड टी पावर माइनस हाफ, सो दिस इज लाइक दैट, सो 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है रूट पाई और टी। देखिए कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, वन अपॉन अंडर रूट पाई बाई टी। तो अब अगर हम लाप्लास लें इसका दोनों तरफ से, टेकिंग लाप्लास, तो क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, पहले तो हम थ्योरम यूज कर लेते हैं, सो ये देगा लाप्लास ऑफ f of t, s लाप्लास ऑफ f of t माइनस f of 0, ठीक है। तो यहाँ पे s हो गया और लाप्लास ऑफ f of t हमारा होता है f of s, ठीक है। सो दिस इज f of s और इसकी वैल्यू है 0, और इसकी वैल्यू क्या आई है, लाप्लास ऑफ दिस वन अपॉन अंडर रूट पाई और टी, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूले से है, ये हमारा बाई थ्योरम, कौन सा थ्योरम, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे थ्योरम हमने पहले करा रखे हैं, तो वो सारे वीडियो को देखते जाइए तो वन बाई वन सारा समझ में आएगा। तो ये रहा, उसके बाद s और f ऑफ s क्या है, तो अगर हम इसको एफ टी मानते हैं, l ऑफ एफ टी इज इक्वल टू f ऑफ s, तो हमारा f ऑफ s यही है, क्योंकि हम इस टर्म को एफ टी मान रहे हैं, ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा f ऑफ s, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, एफ ऑफ एस कितना है, एस टू द पावर थ्री हाफ, थ्री बाई टू, सो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वन बाई एस टू द पावर हाफ, सो लाप्लास ऑफ वन अपॉन अंडर रूट पाई टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस टू द पावर हाफ, यही हमें लाना था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टर्म को एफ टी मान लेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, तो हमें एफ टी भी मिल गया और एफ एस भी मिल गया, देन हम उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर उसका फिर थ्योरम लगा लेंगे लाप्लास वाला, और उसके लिए हमें एफ ऑफ ज़ीरो की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको पहले से निकाल के रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कुछ नहीं था, ठीक है।
इसके बाद हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे, जो पीरियोडिक फंक्शन अगर हमारा हो, जो हम साइन टी कॉस टी इस तरह का ले रहे हैं, अगर वो पीरियोडिक हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक थ्योरम। सो ये है हमारा थ्योरम पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। सो लेट अ फंक्शन एफ टी बी ए पीरियोडिक विथ पीरियड ओमेगा, ये पीरियोडिक है ओमेगा के साथ। सो दैट एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो चूंकि ये पीरियोडिक है ओमेगा के साथ, सो टी प्लस एन ओमेगा, और यहाँ एन की वैल्यू 1, 2, 3 है, तो हर ओमेगा के बाद वही चीज़ आ रहा है एक तरह से, कुछ इस तरीके से टी प्लस ओमेगा करें तो भी हमें एफ टी मिलेगा, एंड एफ ऑफ टी प्लस 2 ओमेगा करें तो भी हमें एफ टी ही मिलेगा, ठीक है, या एफ ऑफ टी प्लस 3 ओमेगा करें तो भी हमें एफ टी ही मिलेगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि जो हमारा एफ टी है, फंक्शन ऑफ टी है, वो पीरियोडिक है विथ ओमेगा, ठीक है। देन हमें शो करना है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस एफ ऑफ टी जो पीरियोडिक फंक्शन है, इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा डी टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो डी टी के टर्म में है, तो ये टर्म हम बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस एस ओमेगा एंड देन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ टी और डी टी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चाहे हम ऐसा लिखें या ऐसा, दोनों सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो कुछ तो हमें पता है बाय डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सो ये है बेसिक डेफिनेशन लाप्लास का, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एन ओमेगा एंड एन प्लस 1 ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा के साथ पीरियोडिक है, तो हम लिमिट को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, 0 टू इन्फाइनाइट को एन ओमेगा से लेके एन प्लस 1 ओमेगा लिख रहे हैं, और बाकी एज इट इज़ ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एन डी टी, ठीक है। तो एक्चुअली हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एन को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी, और अगर हम एन को इन्फाइनाइट पुट करते हैं, ये सिग्मा है, तो अगर एन को इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हम एक नया तरीका है लिखने का पीरियोडिक के लिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमें कुछ एस ओमेगा टाइप का लाना है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे टी इक्वल टू एक्स प्लस एन ओमेगा, हम लिख सकते हैं ऐसा, जैसे हम टी को रिप्लेस करते हैं किसी चीज़ से कर सकते हैं। तो हम सपोज़ करो कि टी को रिप्लेस कर रहा है एक्स है, तो चूँकि ये पीरियोडिक है एन ओमेगा के साथ, तो हम ऐसा पुट कर सकते हैं, सो पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस एन ओमेगा। सो ये हो जाएगा एन टू 0 वर्सेस एन ओमेगा एन प्लस 1 ओमेगा, तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम t की वैल्यू n ओमेगा रखते हैं, लिमिट यहाँ से चेंज होगी, तो इफ़ t इज़ इक्वल टू n ओमेगा, तो यहाँ हम t की जगह n ओमेगा रखेंगे तो x कितना मिलेगा, देन x इक्वल टू 0, एंड इफ़ t इक्वल टू n प्लस 1 ओमेगा,
जो हमारी अपर लिमिट है ये वाली, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें सिंपल क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। सो देन एक्स इक्वल टू ओमेगा, तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी ज़ीरो टू ओमेगा। सो ई टू द पावर माइनस एस, और टी को हमने मान रखा है एक्स प्लस एन ओमेगा, सो एफ ऑफ टी एंड एक्स प्लस एन ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा सिंपल डी एक्स, क्योंकि ये सारा नंबर जैसा है, ये पीरियोडिक है, तो डी टी इक्वल डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है वो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको इस टर्म को बाहर कर लें, ई टू द पावर माइनस इस वाले टर्म को, यहाँ दो टर्म है, ई टू द पावर माइनस एस एक्स एंड माइनस ए एस एन ओमेगा। सो एन इक्वल टू ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस, हम ऐसे लिखें एन एस ओमेगा एन ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि हम यूज कर सकते हैं एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा इक्वल टू एफ टी है, तो उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन प्लस दिस इज एक्स, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एन ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज गिवन। सो एक्स एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा, एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा इक्वल टू एफ ऑफ टी, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एन ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे हम दोनों ने एक्स लिख लिया, हमने यहाँ टी टी था, यहाँ पे एक्स हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से वही टर्म आता दिख रहा है जो यहाँ पे है, हम चाहे इसको x के लिखे लिए लिखें चाहे t के लिए लिखें, दोनों बात सेम है, और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हम n इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एक तरह से 1 मिलेगा, एंड देन e टू द पावर 1 रखेंगे तो माइनस एस ओमेगा, एंड देन प्लस समेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं माइनस टू एस ओमेगा डॉट 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 इस तरीके से, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये वही चीज़ है ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस एक्स, चाहे तो हम इसको टी लिख लें जैसा हमें प्रॉब्लम में लाना है, तो हम इसको एस टी भी लिख सकते हैं एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा दिख रहा है एक जी पी सीरीज़ है, वन प्लस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस टू एस ओमेगा प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट, तो इसका अगर हम सम करेंगे तो ये जी पी सीरीज़ है, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा ए अपॉन वन माइनस आर, तो यहाँ ए का मान है वन और आर का मान क्या है, ये पूरा टर्म ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा, सो ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा, सो इसका सम हुआ वन अपॉन ई टू द पावर वन माइनस वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा इंटू ये पूरा टर्म ज़ीरो टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। तो यही तो हमें लाना था, और ये टर्म किसके बराबर है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें लाना था, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट वन अपॉन e टू द पावर माइनस एस वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा इन टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन आता है तो हमें इसी के थ्रू जाना होगा, बहुत आसान था, सिर्फ दो यहाँ कुछ सपोजिशन थे, हमने इसका यूज़ किया, उसके बाद एक ये यूज़ हुआ, क्योंकि ओमेगा के साथ पीरियोडिक था तो हम ऐसे टर्म यूज कर सकते हैं, फिर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी अगर हम टी से एक्स में जा रहे हैं, तो सो टी एन ओमेगा एंड देन ये सारा लिमिट हो गया ज़ीरो टू ओमेगा, उसके बाद सिंपली जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं है उसको हम बाहर करते हैं, ई टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा यहाँ पे हो गया, उसके बाद जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस एन, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इसको जब हमें टी करना हुआ तो सिंपली हम एक्स को रिप्लेस कर दिए टी से,
और कुछ नहीं, और ऐसा हम कर सकते हैं, सिंपली एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से, क्योंकि अगर आप साइन एक्स डी एक्स निकालें चाहे साइन टी डी टी निकालें, मान तो वही आने वाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर लेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप एक क्रम से पढ़ते जाइए, अदरवाइज़ ये चीज़ें बड़ा कठिन लगेंगी, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार रूटीन वाइज फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी आसान है, उतना कठिन नहीं है, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। सो कल हम फिर डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो एक अदर थ्योरम होगा, हम किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लाप्लास लेंगे, वो थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।